स्वागत है साबी साहब, बहुत बहुत आपका आपका भी सर स्वागत है। बहुत टाइम बाद मैं शायद लाइव हुई। बहुत टाइम बाद इस तरह से लाइव होंगे, बहुत टाइम बाद हम कुछ चलिए हैंडसम लग रहे हैं। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे मुझे पता चल गया कि आपने ये रिवेंज वश मुझे कहा। रिवेंज वश क्यों कहा? अरे बदला वश कह दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, रिवेंज वश ना, रिवेंज वश कहा ना बदला वश कहा, ये तो ग्रेटिट्यूड था। मतलब जैसे आपने कहा तो बस वो उसका एक रिस्पांस था पॉजिटिव। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग अस ऑन द लाइव आल्सो। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि चलो अब तो घर से लाइव हो रहा है तो घर वाले दिखेंगे, ऑफिस वाले दिखेंगे नहीं। सही बात। आई थिंक दिस मे वर्क फॉर अस। जी जी, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अच्छा, I'm literally missing sometimes office. लोग कहते हैं कि office को miss नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ सर। नहीं, office में company बढ़िया हो ना, लोग बढ़िया हो आसपास, तो office याद आता है। And I have been very lucky office. Same here. हमेशा से ही ज़्यादा खुश हूँ इस मामले में। अच्छा सर, क्योंकि रामनवमी का ही अवसर है और चूंकि हम अक्सर ये कंटेंट जो है वो ऑन एयर करते रहे हैं, हमें हमेशा जब फेस्टिवल्स के असली मतलब के बारे में बातचीत करनी रही है। आई रिमेम्बर हमने ऑन एयर ये कंटेंट बहुत किया है। अब जस्ट क्योंकि हम आसपास नहीं है तो वीडियो इज द बेस्ट वे विच वी कैन गो थ्रू। इनफैक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और खास बात यह है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन दिनों रामायण के शुरू हो जाने की भी। आई रिमेम्बर जिस दिन केकई वाला संवाद आया था, मेरे पिताजी कहते हैं केकई वाला संवाद आ रहा था, मेरी मम्मी ने सच में बहाना जला दिया। मतलब पुराना टाइम लौट कर आ रहा है जी। लेकिन सर, जब हम राम जी की बात करते हैं, उस राम राज्य की बात करते हैं, बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में। पहला तो यही कि क्या आज भी क्या मतलब राम जी जैसे कैरेक्टर्स होते हैं इवन इन रियल लाइफ। फिर ये कि अगर हम इसे बहुत ज्यादा सच्चाई से दूर भी मान लें तो जहन में आता है अरे भैया अब कहाँ रामराज्य हो सकता है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स का असली मतलब जानने में सबसे पहले वो जो नॉर्मल होता है ना, क्यों हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि इतना कुछ है उनके बारे में। वैसे तो रामायण पूरी दिखाई जा रही है, बट कमिंग फ्रॉम, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री रामचंद्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरी इस बात को सुनकर के देखने सुनने वाले हो सकता है कुछ आपत्ति करें, बोले नहीं उनकी लीलाओं में तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें आती हैं। पर वो अजीब अजीब बातें बनाई किसने, बड़ी बात यह है ना। पुरुष जब हम श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो कहते हैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण, है ना। और उनके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं दिखाते, हमेशा चैन की बंसी बज रही है और उनका जो पांव है वो डांसिंग पोजीशन में है, यानी मन मयूर नाच रहा है। ऐसी उनकी संपन्न, मतलब ये जो है वो मन स्थिति का रिफ्लेक्शन है बेसिकली, जो हमने फिजिकल आर्ट में और उनकी मूर्तियों में दिखाया। बिना मुरली के उनका कोई चित्र होता ही नहीं, ना मोर पंख के ना बिना मुरली के। मयूर पंख सर्वोच्च, मतलब मुकुट के भी ऊपर जो जिस चीज को स्थान दिया गया वो है मयूर। मयूर पंख अर्थात मोर जो है वो पवित्रता से जन्म लेने वाला पक्षी कहलाता है। तो पवित्रता की पराकाष्ठा, चैन की बंसी, एवर स्माइलिंग, कभी हबड़ तबड़ नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, तो ये तो चित्रण है उनके जीवन का, दर्शन है। सिमिलरली अगर मैं श्री रामचंद्र जी की बात करूं तो 14 कलाएं उनकी भी बताई जाती हैं कि वो भी 14 कलाओं में थे, ठीक है। उनको धनुष बाण दिखाया जाता है, क्षत्रिय, उनको क्षत्रिय कहा जाता है, परंतु जब हम इसके डीप सीक्रेट और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि क्षत्रिय जिसका यहाँ युद्ध चल रहा है वो भी तो क्षत्रिय है। कि मैं ये सोचूं ये करूं या ना करूं, युद्ध आ गया ना सोच में, यहां से वो क्षत्रिय हो गए, है ना। तो ये अंतर होता है। और जहां तक प्रश्न रहा मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का, तो पुरुषोत्तम शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा और उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। तो आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा जो है वो श्री रामचंद्र है, श्री रामचंद्र जी हैं। आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो तो श्री कृष्ण की है, महान देवात्मा नेक्स्ट टू गॉड,
परमात्मा के बाद पहला नंबर आने वाली आत्मा है ना। फिर हमने कई बार ये डिस्कस भी किया हुआ है, देखिए कि हमारे पास जो पिछला कैलेंडर है वो 2500 साल तक का ही तो है इतिहास जो हमारे पास मौजूद है, उसके पहले का तो इतिहास ही नहीं है, सभ्यता हम कहते हैं 5000 साल पुरानी, उसके पहले 5000। फिर हम किन आधारों पर तिथियों पर जन्मदिन मनाते हैं? तो कहीं आध्यात्मिकता में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की आत्मा जब वे 8 जन्म लेती हैं एक ही युग में, तो वो जन्माष्टमी के रूप में हम उन्हें याद करते हैं, और वही आत्मा जब 9वें जन्म में आती है तो श्री रामचंद्र जी के रूप में आती है, तो हम रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। है बड़ी नई बातें, है ना, परंतु यदि आप बुद्धि से समझेंगे, बृहद बुद्धि से समझेंगे, तो आप स्वीकार भी कर पाएंगे। तो पुरुषों में जो उत्तम आत्मा है वो पुरुषोत्तम है, और मर्यादा अर्थात अपनी लिमिटेशंस को कभी भी ब्रेक न करने वाली। सुख भी देना है मुझे यदि किसी को, तो मर्यादा में रह करके देना है। यदि मर्यादा को तोड़ करके सुख दिया तो पाप हो जाता है, है ना? अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक, हाँ बिकॉज मे बी आप और भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मतलब क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने कभी कोई मर्यादा तोड़ी ही नहीं। अच्छा, ये प्रैक्टिकली कई बार ऐसा लगता है बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कभी कोई गलती ही ना की हो, कोई मर्यादा तोड़ी ही ना हो। देखिए, जब हम राम राज्य की बात कहते हैं कि क्या, जैसे आपका सवाल था कि क्या राम राज्य फिर से हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि राम राज्य का एक्सपीरियंस करके आए हैं सभी। यदि हम ऊपर वाले से सुख की डिमांड करते हैं ना कि हमें सुख चाहिए, दैट मींस वी हैव एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस, वो सुख समवेयर इन द पास्ट, दैट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग कि हमें वो सुख चाहिए। अगर एक्सपीरियंस ही ना किया हो तो क्यों मांगेंगे? अगर मैंने कोई चीज महसूस ही नहीं की हुई है तो मैं कैसे कहूंगा कि हाँ वो चीज होती है, मुझे दे दो। तो आत्माओं ने वो सुख अनुभव किया है, इसीलिए उन सुख की हम डिमांड करते हैं। भारत में जब हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, तो त्रेता युग के अंत में जो पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ थी, और वही राम राज्य था उस वक्त। राम राज्य में कहते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवताओं को ध्यान करके कहिए श्री रामचंद्र जी की जय, क्योंकि राज्य श्री रामचंद्र जी का था और पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऐसा समय था, मनुष्य साधारण ही थे, दो हाथ दो पैर एक मुख, यही था, लेकिन गुण जो थे वो डिविनिटी वाले थे, डिवाइन वैल्यूज थी, डिवाइन वर्च्यूज, डिवाइन वैल्यू, दिव्य गुणों के कारण वो देवी देवता कहलाते थे, दिव्य गुण न होने के कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है, और किसी में यदि तामसिक संस्कार होते हैं, अवगुणों की अधिकता होती है, तो आसुरी संस्कार कहलाते हैं। तो देवता मनुष्य असुर इन्हीं तीनों के बीच की कहानी चलती रहती है। तो राम राज्य तो फिर से हो सकता है, लेकिन राम के भी राम का ये काम है कि वो राम राज्य स्थापित करें, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस पर निश्चय करें और उसके बताए मार्ग पर चलें, उसकी बताई हुई श्रीमत पर चलें, उसकी मर्यादा कभी ना लांघें, तो राम राज्य भी आ सकता है और हम श्री रामचंद्र जी जैसे गुण भी धारण कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं प्रैक्टिकली अब वो सवाल पूछ लेना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल से देखने वाले को भी लग रहा होगा कि पूछना चाहिए कि अच्छा ऐसे कैसे वर्चुअल्स को आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, मैं अभी ये सवाल पूछूंगी। मैं वो छोटे छोटे सवाल कर आती हूँ जो मुझे लगता है कि हमें से ज्यादातर लोग अज्ञान के कारण पूछ ही लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन वाला है, जब हम श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं तो सीता जी की बात करते हैं, है ना, और सीता जी की बात अगर हुई है तो फिर ये भी बात आती है जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है कि रामचंद्र जी ने अगर कोई मर्यादा कभी नहीं तोड़ी तो फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा उन्होंने ली क्यों थी? क्योंकि you know, sometimes we say कि अभी बड़ा ही प्रैक्टिकल वाला युग है तो women who are feminist enough raise that question, right? और even males भी ये सवाल उठा लेते हैं, तो फिर उसका मैं क्या समझूं? मैं इसको और वृहद बताता हूँ। जैसे मेरी जो रामायण की अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो मैं कहता था कि ऐसा राम राज्य किस काम का, क्योंकि अगर हम देखें तो श्री रामचंद्र, जो भी रामायण हम देखेंगे या अगर हम उसमें देखें, तो मोटे रूप में श्री रामचंद्र जी के कर्तव्य कुछ खास दिखाते नहीं है। दिखाते हैं उनका जन्म हो गया दशरथ प्रभु के यहाँ, पुत्र की लालसा थी उनको, सेब खाए,
यज्ञ से यज्ञ का प्रसाद तो सब रानियों को पुत्र हो गए, जिसमें श्री रामचंद्र जी हो गए, सब खुश हो गए, श्री रामचंद्र जी को देख करके सब खुश हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा लेने गए, वहां लेकर के सब खुश हैं उनको शिक्षा लेते हुए देख करके। उन्होंने ऋषि उनके जो गुरुजन है वो उनको वन वन घुमा रहे हैं, कोई अगर तंग करने वाला आता है तो राम जी जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं उसके अनुसार वो तीर चलाते हैं, असुरों को मार देते हैं, तो सब खुश हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात आती है तो कैकेयी जो है वो कहती है कि आपने मुझे युद्ध के समय वचन दिया था, मेरे उस वचन के अनुसार में मंथरा ने बुद्धि फेर दी है, तो आप मेरा पुत्र भरत जो है वो राज्य का अधिकारी बनेगा और श्री राम राम को तो आप 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो, ठीक है। अब ये वनवास चले गए, श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा पालन कर ली कि पिता माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य, उनके साथ में सीता जी चल दी, लक्ष्मण जी चल दिए, फिर जहां जहां कहीं राक्षस वक्षस दिखे उन्होंने युद्ध कर दिया। एक समय आया सीता जी का हरण हो गया, अब राम जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, राम जी कहते हैं मुझे तो मदद की आवश्यकता है। फिर सुग्रीव और बाली का युद्ध दिखाते हैं, बाली का वध होता है, हनुमान जी पूरी मदद करते हैं, सुग्रीव की सेना हनुमान जी जो है समुद्र लांग करके जाते हैं, वहां पर जितनी भी समस्याएं होती हैं नल नील अंगद इनके द्वारा सॉल्व होती हैं, रिजॉल्व होती हैं, और सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय कर रहे होते हैं। बीच में एक शबरी का एपिसोड भी आता है कि शबरी जो है वो बहुत खुश होती है कि मेरे को श्री रामचंद्र जी आ गए और मेरे झूठे बेर भी खा रहे हैं, है ना। अब फिर पूरा हनुमान जी की मदद से, वानरों की मदद से युद्ध जीत लिया जाता है। आखिर में जो है वो श्री रामचंद्र जी एक तीर चलाते हैं, विभीषण भी मददगार बन जाता है इस बीच उनका, ठीक है। फिर आखिर में रामचंद्र जी जो है वो एक तीर चलाते हैं, वो भी किसी के बताने पर, विभीषण के बताने पर, कि नाभि पे चलाइए तब इनके अमृत कलश छूटेगा और इनका वध हो जाएगा। फिर उनका वध हो जाता है, श्री रामचंद्र जी की जय होती रहती है। फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा ली जाती है, ये लोग कुछ दिन अच्छा समय व्यतीत करते हैं। फिर सीता जी को ऊपर एक वो डाउट लगाया जाता है, सीता जी को कहा जाता है आप चले जाइए, सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय कर रहे होते हैं। अब इस पूरी रामायण में श्री रामचंद्र जी की वैल्यूज से ज्यादा हनुमान जी की वैल्यूज, लक्ष्मण की वैल्यू, सीता जी की वैल्यू, नल नील अंगद की वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है। और अगर श्री रामचंद्र जी के राज्य में भी यही सब षड्यंत्र हो रहे हैं, यही सब हो रहे हैं, तो फिर हम क्यों किस साम्राज्य में जाने की बात करें? क्या किसी आज हम, हो सकता है हमारे चेहरे मोरे अच्छे दिखते हो क्या, लेकिन हमारे चेहरे मोरे अच्छे दिखते हैं तो सब हमसे खुश रहते हैं, हम सबके लिए अच्छे हैं, हमारे बॉस को हमारे चेहरे मोरे से कोई लेना देना नहीं है, काम से मतलब होता है। काम मतलब कि हम कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या ड्यूटीज कर रहे हैं, क्या कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, और कितने हम औरों के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हैं, है ना। तो सिर्फ इस, मैं माफी चाहता हूं मैंने विस्तार में बोला, लेकिन इस पूरी रामायण में श्री रामचंद्र जी की वैल्यूज दिखाई ही नहीं गई। ऐसा लगता है कि जिसमें शायद प्रोबेबली सोने की थाली में सब कुछ मिला होगा, आई मीन द जनरल परसेप्शन इज द सेम। और जब आप आगे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा वहां पर भी लक्ष्मण जी साथ में गए, वनवास में भी गए। एग्जैक्टली, अब इसके पीछे का पूरा कारण बताया जाता है कि चूंकि रावण को सिर्फ यही मार सकते थे इसीलिए ये अवतार लेना जरूरी था, और रावण के रावण की छत्र छाया में बहुत सारे असुर जो है पल पुस रहे थे, वो बढ़ रहे थे, वो अत्याचार कर रहे थे, और उनको जो है सिर्फ रावण के, राम जी के जन्म से ही हो सकता था। अहिल्या जो पत्थर की बन गई है वो राम जी के जब तक चरण नहीं, राम जी जब तक उसे नहीं छुएंगे तब तक वो वापस स्त्री नहीं बनेगी। तो इन सब कारणों के पीछे इनका जन्म दिखा दिया, लेकिन सिर्फ किसी व्यक्ति के होने भर से, है ना, ये जस्टिफाई नहीं होता। पर हाँ, उनके लाइफ के उन वैल्यूज को और उन पहलुओं को न तो किसी ने देखने समझने और दिखाने की कोशिश की है कि हाउ वैल्यूएबल दैट पर्सन वाज एज एन डीटी। जब हम उन्हें देवता कहकर के उनकी जय जयकार करते हैं तो यूं ही जय जयकार नहीं होती। आज इस देश में कई साधु संत ऋषि मुनि महान आत्माएं हुए हैं, पर देवात्माओं के रूप में श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है, उनके मंदिर बनते हैं। मंदिर यूं ही किसी के नहीं बनाए गए, इंसान जब तक सामने वाले में कोई वो गुण ना हो। तो महत्वपूर्ण बात यह है, सिर्फ सीता जी की परीक्षा की बात नहीं है। एक तो कई लोगों का ये मत भी है कि रामायण जो है वो एक कथा है और उस कथा के हिसाब से व्यक्ति को किस हिसाब से जीना चाहिए, उन सारे गुणों को धारण करना चाहिए, इसीलिए रामायण एक प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। कहते भी है ना कि राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो, तो श्री राम सही बात तो श्री रामचंद्र जी की जो कथा है
उसमें उन्होंने जहां जहां जिस तरह से जो कर्तव्य निर्वहन किए उनके अंदर अगर हम बारीकी से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनके पीछे लॉजिक्स थे, उनके पीछे वैल्यूज थी। अब इसके पीछे चूंकि आध्यात्मिक रहस्य भी है, एक तो एक राम घट दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा, है ना। तो यहां हमें दो राम की महिमा समझनी पड़ेगी कि एक तो श्री रामचंद्र जी हैं और दूसरे हैं वो राम के भी राम जो इस जो परमात्मा पिता है बेसिकली जगत से न्यारे, जिन्होंने संसार की रचना की है। अब उन दोनों की महिमाओं को या लीलाओं को मिक्स कर दिया गया है ना। राम अर्थात दिल को आराम देने वाला, आत्मा को रूह को आराम देने वाला, जिसके कॉन्ट्रास्ट में है रावण अर्थात रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो जो दुख देता है, जो रुलाता है, वैसा नाम कोई नहीं रखता। आज किसी का भी नाम रावण नहीं होता, है ना, क्योंकि वो दुख देता है, रुलाता है, और उसने वो संपूर्ण मानव जाति का दुश्मन है। इसीलिए अंग्रेजों ने या कोई और सभ्यताओं ने हम पर भले ही कितने जुल्म किए हों, मगर हम उनका पुतला नहीं जलाते, हम रावण का पुतला जलाते हैं और हर साल बड़ा करके जलाते हैं। तो अब राम अर्थात रूह को आराम देने वाला, राम में लगाना होता है मन अपना, मन को लक्ष्य दिया जाता है कि आप राम में ही लगे रहो तो लक्ष्मण, और सीता जो सत्य का प्रतीक है हु बिलोंग्स टू राम। So, in a broader aspect, we all are the Sitas who belongs to one Ram. The creator Ram. इसीलिए राम के साथ के लिए सीता महलों के सारे सुख भी त्याग देती है, क्योंकि उसको मालूम है ये materialistic चीजें हैं, ये गद्दा, ये महल, ये सेवक, ये आभूषण, ये चमक दमक के वस्त्र, जितना भी है ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। पर मटेरियलिस्टिक चीजों से परे जो आत्मा को सुख देगा वो मेरा राम ही हो सकता है। इसीलिए वो एक क्षण नहीं, एक सेकंड नहीं लगाती, वो महलों का त्याग कर देती है। मन को भी ये ज्ञान है कि यदि राम में मन नहीं लगाया, राम का साथ छोड़ दिया, तो भटक भटक करके दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए राम के साय के साथ लक्ष्मण चल पड़े हैं। तो ये इन तीनों का संगम है। परंतु मनुष्य की कहानी एक जन्म की हो या बेहद की, कहीं ना कहीं मन भटकता है, कहीं ना कहीं सीता माया से भ्रमित होती है। तो वो सीता जो सोने के आभूषण, महल, मुकुट, सिंहासन सब कुछ त्याग चुकी है, एक सोने के हिरण के भ्रम में, माया मारीच के भ्रम में अपने प्रभु राम से कहती, मुझे तो ये चाहिए। प्रभु समझाते हैं बुद्धि के जरिए, बुद्धि सीता है, मन लक्ष्मण है। तो आत्मा के प्रभु राम उसको समझाते हैं कि ये भ्रम है, ये माया है, ये कुछ नहीं है, पर बुद्धि जिद पकड़ चुकी है, भ्रष्ट हो गई है अभी, नहीं मुझे तो चाहिए प्रभु। वो अपने प्रभु को अपने से दूर कर देती है अपनी ही जिद के चलते, क्योंकि माया से भ्रमित है। तो रावण पहले माया भेजता है दुख देने वाला, जिसको हम सच समझ लेते हैं। अब राम को दूर किया, उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम पर कोई खतरा नहीं हो सकता, भगवान को कोई क्या मार सकता है, या देवी देवताएं जो अमर हैं उनको कोई क्या मार सकता है। परंतु उसको ये भी भ्रम हो जाता है जब वो श्री राम की आवाज निकाल करके ढोंग करता है कि लक्ष्मण बचाओ माया मारीच, तो दूसरा भ्रम पैदा होता है। लक्ष्मण को पता है कि नहीं, ये भी भ्रम है, पर बुद्धि जो मन से बड़ी है, बुद्धि जिसमें जस्टिस करने की पावर है इंटरनल, वो मन को भी भटका देती है, नहीं नहीं यही सही है, तुम तो जाओ। अब वो मन को भी भटका दिया, बुद्धि भ्रष्ट पहले ही हो गई, माया के भ्रम में पूरी तरह से है। तब रुलाने वाला आता है ताकि आप उस मर्यादा की, उस लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस कर सको, तब भी भेष बदल के आता है, क्योंकि उस इतना तो हर एक को ज्ञान है कि सीधे सीधे अगर बात की जाएगी तो बेवकूफ नहीं बनेंगे, नहीं छल सकेंगे। तब भी कोई साधु के पेश में आता है
साधु अर्थात साधना करने वाला, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसे वेश में आता है। और अब देखिए कि यहां पर आत्मा अपने ही गुणों से मात खाती है। सीता जी का परोपकारिता का गुण कि भाई कोई भिक्षुक आया है, वो भी साधु आया है, साधना करने वाला, मुझे तो इसको देना ही पड़ेगा। लेकिन कहा ना, मर्यादा की रेखा तोड़ करके किसी की मदद करना, सुख देना भी गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। गलत कर्म और पाप कर्म जैसे ही भ्रमित होकर के मर्यादा की रेखा क्रॉस की, एक बार आपको रुलाने वाला रावण कहां उठा के ले गया, कौन सी वाटिका में? शोक वाटिका, अशोक नहीं। अशोक यानी जहां दुख ना हो, है ना? तो शोक जहां दुख ही दुख हो। अब तो सीता जी रो ही रही है, अब तो वो पीड़ित ही है, पश्चाताप ही कर रही है कि मेरे से गलती हो गई। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। एक बार जब आप मर्यादा की रेखा लांघ जाते हैं, तब आपको पश्चाताप होता है। और भले ही आप रोए नहीं औरों के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर मन खाता रहता है, दिल खाता रहता है, गलती की है, पाप किया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, ईर्ष्या की है, क्रोध किया है, कुछ भी गलत, इन गलत कर्मों में से कुछ भी किया हो, अंदर ही अंदर दिल खाता रहता है। ये है रोना सीता का, ठीक है? अब चूंकि गलती तो हो गई आत्मा से, सत्य आत्मा भी सत्य है ना, उससे गलती तो हो गई, बट ऑल सीतास बिलोंग्स टू वन राम, जिम्मेदार कौन हुआ? राम। अब उसको आना तो ही बचाने के लिए अपनी सीता को, तो वो आता है। वो कैसे भी करके, क्योंकि भगवान चाहे, देखिए यहां पर आशय ये था, भावार्थ ये था वानर सेना की मदद लेने का, कि भगवान चाहे तो एक संकल्प में सब कुछ ठीक कर सकता था। श्री रामचंद्र जी चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, परंतु वो वानर सेना अपना भाग्य कैसे बनावे, और वो वानर सेना भी हम ही हैं। देखिए पूरी रामायण हमारे ऊपर चल रही है, वो वानर सेना भी हम ही हैं। हम जो कभी पूर्व के जन्मों में देवी देवताओं वाले आचरण वाले थे, अब मनुष्य धर्म से गिरते गिरते हमारे स्वभाव जो है वो बंदर, जैसे गांधी जी ने बंदर बिठाए थे ना तीन, कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब बंदरों को तो नहीं पता गांधी जी ने ऐसा कुछ किया हुआ है, किसके लिए था वो। सिमिलरली परमात्मा भी यही कहते हैं कि जैसे बंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत होता है, अहंकार के वश बंदर आपस में लड़ते हैं, अहंकार के वश वो क्रोध करते हैं, आपके ऊपर लपकते हैं, मुंह दिखाते हैं, गुर्राते हैं, मोह के वश बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी महीनों महीनों तक अपने से चिपकाए हुए घूमती रहती है। बंदर में लोभ भी बहुत होता है, एक केले का गुच्छा अगर उसने उठा लिया तो एक केला पूरा नहीं खाएगा, एक केले का एक चखेगा, उसको फेंकेगा, दूसरा करेगा, उसको फेंकेगा, मतलब उसको सब कुछ चाहिए भी सही। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार भी, लस्ट भी बंदर में बहुत होता है। ऐसे वानर रूपी हम बन जाते हैं, तो परमात्मा हमारा भाग्य बनाने के लिए, रावण पर जीत दिलाने के लिए, जीत वही दिलाएगा, रावण को मारने वाला वही एक है, परंतु वो हमें शिक्षाओं के द्वारा, छोटे छोटे होमवर्क के द्वारा हमको जीत दिलवाते हैं इन छोटे छोटे इन विकारों पर, और इन विकारों पर जीत दिलाते दिलाते हमारा अपना भाग्य बनता है हमारे अपने पुरुषार्थ से। अदरवाइज भगवान यदि आप पर कृपा करे, मुझ पर नहीं करे, तो भगवान के ऊपर आक्षेप लग जाएगा कि किसी की मदद करता है, किसी की नहीं करता। नहीं, डेवलप, तो वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उस सिस्टम को डेवलप करके ये कहानी के माध्यम से दर्शाया गया कि ऐसे रावण पर जीत पाई जाती है। अब बात आती है सीता की अग्नि परीक्षा की, जो आपका मूल प्रश्न था। सीता की अग्नि परीक्षा की बात अगर किंवदंतियों में देखें, कहानियों में देखें, तो आपको याद होगा कि रावण एक बार जबरदस्ती करने सीता जी के पास आते हैं, सीता जी एक तिनका उठाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक तिनका उठाती हैं, तो इस तिनके, हाँ बोली बोली। इनफैक्ट मुझे याद है एक, मतलब क्योंकि मैंने रामायण का ये वाला पार्ट देखा हुआ है, सीन याद है, तो वहां पर असुर, फीमेल असुर भी होती है, उन्होंने भी, वो भी समहाउ स्टार्ट सपोर्टिंग सीता जी, सीता जी। तो वो एक ऐसी चीज थी जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, क्या वो संवाद में देखकर याद आया था। मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। कई बार हम, कई स्टूडेंट लाइफ में देख लीजिए, आपकी वर्क लाइफ में देख लीजिए,
आपके रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, रिश्तों में देख लीजिए, आपको बहुत सारे मेजॉरिटी लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद आपके साथ अच्छा होना होने देना नहीं चाहते, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कई बार ऐसा होता है, पर उन्हीं ग्रुप में से कोई एक निकल आता है जो आपकी मदद भी करने लगता है। राइट, ये प्रैक्टिकल है जीवन का, है ना। तो क्या होता है कि वो जो सीता जी तिनका उठाती हैं और कहती हैं तू इसको ही पार कर ले तो मुझे छू पाएगा, तो मुझे पा पाएगा। अब देखिए सीता जी की जो अवस्था है वो पश्चाताप की है, रियलाइजेशन की है, गिल्ट की नहीं है, रियलाइजेशन की है। गिल्ट आपको डुबो देता है, आत्म जीत प्राप्त करा देता है। रियलाइजेशन आपको ये कहता है कि भाई मैं आपको ही बिलोंग करती हूं, मुझसे गलती हो गई लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपकी ही है, आपको आना ही होगा और मुझे रावण राज्य से छुड़ाना ही होगा। रावण राज्य अर्थात रोने वाली दुनिया से, दुख की दुनिया से छुड़ाना ही होगा। तो सीता में सत्य का परसेंटेज तो है ना, भले ही भूल हो गई थी उससे, भले ही भूल हो गई थी मगर सत्य का परसेंटेज पूरा है। आगे बड़ा खूबसूरत वर्णन आएगा लेकिन अभी मैं इसको इसकी बात करता हूं। तो क्या होता है, वही सत्य, उस सत्य पर कोई आंच ना आए, उस सच्चाई पर, उस आत्म, क्योंकि क्या है देखिए यहां पर मुझे उदाहरण देना पड़ेगा महाभारत का। पांडव 5 दिखाए जाते हैं, कौरव 100। कहते हैं एक ही राजा के पुत्र थे, एक ही पिता के पुत्र थे, मगर फिर भी आपस में लड़े। श्री कृष्ण उनके भी रिश्तेदार थे और उनके भी रिश्तेदार थे। मदद मांगने दुर्योधन भी पहुंचा था, अर्जुन भी पहुंचा था, ठीक है, लेकिन मदद किसको मिली? पांडवों को मिली, क्योंकि पांडव जो हैं वो श्री कृष्ण को मानते भी हैं और श्री कृष्ण की भी मानते हैं, यानी भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। कौरव भगवान को भले ही माने लेकिन भगवान की नहीं मानते। आज इस दुनिया में 5% लोग ही ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं, लेकिन 95% ऐसी भीड़ है जो भगवान का नाम भले ही लेते रहे जुबान से। देखिए मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं भगवान के नाम पर, परंतु कर्मों में क्या वो कहीं बात है जो भगवान कहता है वो भी हो? कि आपने दान है ना। तो इस अंतर की वजह से जो सीता, यानी कि जो रियलाइजेशन की स्टेज में है, जो परमात्मा को याद कर रही है, कह रही है कि मुझे इस दुनिया से छुड़ाओ, दुख की दुनिया से, रावण से पीछा छुड़ाओ, उस सीता की एक अग्नि परीक्षा नाम की छोटी सी कसौटी है। उस कसौटी इसलिए रखी गई ताकि बाकी की 95% ये ना कहें कि तुमने बिना परखे, बिना कसौटी पर परखे इसको एक्सेप्ट किया, इस पर कृपा की, हम पर कृपा नहीं की, अदरवाइज वो कृपा हो जाती। सही बात। हाँ, ये तो इतनी सारी इंटरकनेक्टेड चीज है, क्योंकि अभी सी बात है, हम जब वर्णन सुन भी रहे थे तो बाली का जिक्र भी आया, एक आरोप वो भी लगता रहा है कि बाली का वध जो है वो पीछे से है ना। अब क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमने कहा कि वो मर्यादा तो उन्होंने कभी जीवन में तोड़ी ही नहीं, तो फिर भला ये पार्ट जो है, और खासकर वहां तो क्षत्रिय होने का भी भाव आ जाता है। इनफैक्ट मैं शायद हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही पूछ रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि क्षत्रिय तो कभी किसी महिला पर भी हाथ नहीं उठाते, चोट नहीं पहुंचाते, है ना। लेकिन जब लक्ष्मण, जिन्हें हम मन कहते हैं, जैसा आपने स्पिरिचुअली हमें समझाया, पर वो जब शूर्पणखा उनको परेशान कर रही है, तब उस वक्त मतलब वार उसे करना पड़ता, लेकिन अगेन क्योंकि आपने कहा कि वो मर्यादा तोड़कर तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर इन सब चीजों को कैसे समझो? पहले मैं आपको बाली की बात बताता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन अभी तक के डिस्कशन में हमें ये तो समझ में आ गया कि ये सब कैरेक्टर्स या ये सब कहानियां जो हैं हमारे ऊपर हमारे ही प्रैक्टिकल स्वरूप है। अगर हम बाली की बात करते हैं तो बाली का जो चरित्र दिखाया या जो किरदार दिखाया, उस किरदार की एक विशेषता थी कि वो आपके सामने आता था और आपकी आधी शक्तियां उसके अंदर चली जाती थी, है ना। सही बात। आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा, मुझे भी नहीं मालूम मुझे कहां से मैंने सुना या कहां से मैंने सीखी थी ये बात, पर मैं हम अपनी सीखी हुई बातों को साझा करते हैं, किसी और को सिखाते नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए।
अक्सर करके मैं शेयर किया करता हूँ कि डर जो है वो आपकी आधी शक्तियां खत्म कर देता है। कहते हैं आप, अक्सर कहते हैं, ऑफिस में कहते रहे। ठीक है। इसी तरह से एक वर्णन और भी आता है जहां पर आप समझेंगे कि रावण जो है वो सर्वशक्तिमान था। आपने उसके बारे में शब्द सुना हो। एक तरफ रावण सर्वशक्तिमान है, दूसरी तरफ राम सर्वशक्तिमान है, यानी कि दोनों की शक्तियों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही समान रूप से ताकतवर हैं, परंतु जीत किसकी है? श्री राम की। जीत सत्य की है, सत्य की है ना, जीत धर्म की है, जीत सत्य की है। दोनों ही समान रूप से ताकतवर हैं। विलेन भी समान रूप से ताकतवर होता है, हीरो भी समान रूप से ताकतवर होता है। हीरो की विशेषता सिर्फ इतनी होती है कि वो 10 मिनट और देर तक लड़ने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है। विलेन का इंटेंट भी अच्छा होता है, और उसका इंटेंट बिल्कुल सही का, क्योंकि उसी इंटेंट की वजह से उसे और हिम्मत मिल जाती है ना। तो सत्य की विजय होनी है, धर्म की विजय होनी है, और जिसका स्वरूप है उसकी विजय होनी है। जिसका अस्तित्व ही नहीं उसकी क्या विजय हो। हमने अनजाने में परमात्मा को कह दिया सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है मतलब आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। अब जरा सोचिए, आप यहां बैठे हैं और आपके पिताजी भी वहां बैठे हैं साइड में, और आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो ठीक नहीं है, तो क्या आपके पिताजी आपको टोकेंगे? नहीं टोकेंगे, बिल्कुल टोकेंगे। अच्छा, रोकेंगे नहीं? हमारे अंदर तो ईश्वर है, इस हिसाब से तो पिताजी टोकेंगे हमको भी। रोकेंगे कि नहीं? बिल्कुल रोकेंगे, बाकायदा रोकेंगे। पर जरा विडंबना देखिए, पॉज लेना चाहते हैं? शेगुन आई थी तो मैंने उसको नदर लाइव लाइव, मुझे लगा मैं लाइव हूँ जी। तो अब जरा सोचिए, परमात्मा सर्वव्यापी, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी, सर्वशक्तिमान, सत्ता पवित्रता का सागर जिसको हम बोलते हैं, प्रेम का जिसको हम सागर बोलते हैं, क्या आज मनुष्य एक दूसरे से प्रेम कर रहा है? एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाएं रखा हुआ है? घृणा ज्यादा होती है, मतलब पहले किसी की अच्छाई बाद में होती है, पहले बुराई शुरू करते हैं। तो अंदर अगर भगवान बैठा है तो क्या ये सब संभव है? क्या भगवान भगवान पर अत्याचार कर रहा है? क्या भगवान भगवान को मार रहा है? उसके भगवान भगवान के साथ दुष्कर्म कर रहा है? क्या भगवान भगवान को काट के खा रहा है? क्या भगवान भगवान से कह रहा है हे प्रभु दर्शन दो? क्या भगवान ही दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, बीमार हो रहा है? कभी नहीं। सही बात है। और जरा सोचिए कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई चीज है तो वो है स्वच्छता, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, पावनता। हम भगवान को कहते हैं पतित पावन, यानी गिरे हुओं को पावन बना देने वाला। अब जिन जगहों पर हम बैठना पसंद नहीं करते, कण कण में कहने से तो मैं तो क्यों ये पाप अपने ऊपर लूं, मैं कतई नहीं ले सकता, ना इस बात को मानूंगा। भगवान ने भक्त की भावना सिद्ध करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, कि मेरे भक्त की मान्यता विपरीत न पड़ जाए, इसलिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि खंभे से निकल करके भी वो वध वाली बात आ गई। एक भावना की पूर्ति की बात करूंगा मैं, परंतु भगवान कण कण में निवास नहीं करता, ये बात हमें समझनी होगी। तो सिमिलरली अब ये सोचिए कि आत्मा का स्वभाव सत्य है, आत्मा का स्वभाव वही स्वभाव होना चाहिए जो उसके क्रिएटर का है, जो परमात्मा का है। बच्चे अपने माता पिता पर ही तो जाते हैं, और हम परमात्मा के लिए तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, है ना। तो भगवान की बनाई हुई रचना में दोष नहीं आ सकता था, उसके अंदर गुण ही गुण है। हमारा मूल स्वभाव शांति है, हमारा मूल स्वभाव प्रेम है, घृणा नहीं है। हम 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते, हम 24 घंटे नफरत नहीं कर सकते। तो आत्मा का स्वभाव ये था, लेकिन आत्मा के कॉन्ट्रास्ट में साथ में हमको जो ये जो शरीर मिला हुआ है ना, खुद को आत्मा न समझने के कारण और ये शरीर समझने के कारण हम एक दूसरे को शरीर देखते हैं, और फिर हम शरीर से जुड़ी हुई चीजों के वशीभूत हो जाते हैं, चाहे वो काम विकार हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, अहंकार हो। बाली जो प्रतीक है वो बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, देह अभिमान का प्रतीक है। जैसे एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और उसका वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, दूसरा भी, उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा, उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा, तो ये देह अभिमान क्या करेगा, दोनों की
लड़ाई करवाएगा। तो देह अभिमान वाले, अहंकार वाले एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी। अब मुझे ये बात मालूम है कि मैं यदि देह अभिमान में आया तो मुझे भी क्रोध आएगा, मैं भी वशीभूत हो जाऊंगा और मेरी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाएंगी। और बाली कोई कैरेक्टर नहीं है, बाली देह अभिमान है। उस देह अभिमान को मैं सामने से आकर नहीं जीत सकता ना। युक्ति से मुक्ति है, देह अभिमान को योग बल से, ज्ञान के तीर से मारना युक्ति है। बाली का वध पीछे से, पीठ पीछे वार नहीं है, बाली का वध इस बॉडी कॉन्शियसनेस पर जीत पाना है। बाहुबल का थोड़ा डिफरेंट हो गया, बाहुबल पर योग बल से जीत पाना है। आपने देखा होगा कई साधना वाले जो हैं वो कहते हैं, देखो आप देखो कि आपका शरीर, आपने शरीर जो है त्याग दिया है और आपका शरीर मृत पड़ा हुआ है और आपकी चिता जल रही है, इस तरह के विजन बनाओ, कहते हैं ना। अब इस विजन को बनाने का मतलब क्या है? इस विजन को बनाने का मतलब यह है कि ये देह नश्वर है, ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जो हो ये हमेशा रहोगे। इसमें अब पीछे से क्या तीर चलाया? अच्छा, क्योंकि बाली की बात भी हो गई, हम संभव मैं विभीषण पर आऊंगी अगेन, क्योंकि हम हर बात, हाँ सुपुन का भी बाकी है। सूर्पणखा की अगर हम बात करें तो देखिए फिर वही बात है कि एक ऐसा आकर्षण जो आकर के मन को बार बार विचलित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम अक्सर कहते ना कि हठ ही नहीं होना चाहिए, हट नहीं होना चाहिए, हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए, है ना, बड़े प्यार से अपने मन को समझाना चाहिए, ठीक है। परंतु हर गुण की अपनी विशेषता है, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों की अपने अपने महत्व हैं। हम भारत सरकार के किसी ऐसे कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें, और किसी ऐसे डिपार्टमेंट से जिसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कॉन्फिडेंशियल रखे। सरकार वही है, डिपार्टमेंट भी उसी के हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज पर काम करते हैं। एक जगह हम कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और दूसरी जगह हम ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मन और बुद्धि, बुद्धि यानी सीता राम का साथ पाना चाहती है, मन को कोई आकर्षण आकर के विचलित करना चाहता है, ठीक है। तो मन वैसे तो प्यार से समझा रहा है, भाई मत करो, भाई मत आओ, ऐसा मत करो, ठीक है। कहीं तो मन भी कठोरता अपनाएगा, निर्मलता को या विनम्रता को अपना करके, और कहेगा भाग जा आकर्षण, मैं मेरे राम में ही अपना ध्यान लगाऊंगा। तो सूर्पणखा का जो किस्सा जो हम दिखाते हैं वो किस्सा सिर्फ इतना सा है कि मन ने कठोर होकर के तपस्या की, साधना की, अपने साथ जिद की। जैसे आज एक भटका हुआ मन है, जिसको हम संजय दत्त साहब का उदाहरण ले लें, संजय दत्त साहब ने को ड्रग एडिक्शन के शिकार हो गए थे। अब वो कहते कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा आने तो चलता है, कितना तो चलता है, लेकिन जब हम साधना के पथ पर और किसी चीज को वाकई में छोड़ने की इस पर पथ पर आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं चलता, इतना तो चलता है, नहीं साहब नहीं चलता। तब हम क्या करते हैं? तब हम पीठ फेर देते हैं उसको। तो वो पीठ फेरना और दैहिक आकर्षणों को आंख दिखा देना, कठोर हो जाना, ये वो सूर्पणखा का की घटना है। बेसिकली चाकू से नाक काटना नहीं है, अपमान करना नहीं, और अगर अपमान करना है तो ऐसा कोई किरदार जो ये देख रहा है कि भाई कोई गृहस्थ में है और उनके ऊपर जबरदस्ती का अपना आकर्षण डालना, उनके बीच में आना, तो यहाँ पर खुद से स्वयं की नाक कटवाना है कि अपनी दाल नहीं गली। That's such a beautiful expression of things, क्योंकि हम कभी स्लाइड में देखते नहीं कि हमें पहले क्या करना होता है, थोड़ा आप कह लीजिए कि पर परपंच में पढ़ के पहले उसे महिला बताना होता है, हम उसकी बुराई नहीं देखते हैं। एंड खैर जब सवाल पूछने वाले होते हैं तो वो ऐसे ही पूछते हैं आपसे, क्योंकि सवालों की बात है।
विभीषण वैसे अगर देखा जाए तो जो देवता है उनकी ओर से तो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर माने जाते हैं, राइट? लेकिन जब आप उन्हें असुरों की ओर से देखते हो तो ऐसा लगता है उन्होंने फैमिली बिट्रेयल किया था। अच्छा, उनका फैमिली बिट्रेयल तो हमें समझ में आता है कि भाई ये भी कह सकते हैं कि चलिए असुर वाला गुण है, ठीक है ना? हालांकि उन्होंने किया अच्छे इंटेंट से था, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द असुर साइड वुड से सो। खैर, मेरा सवाल ये है कि मतलब अगर देखा जाए रामायण, अगर हम अपने आप कह लीजिए कि स्पेक्ट्रम से देख रहे हैं, तो हमें विभीषण जी भी ठीक लगते हैं, हम भी सही लगते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। परंतु तो एक जगह पर ये बात उनके जहन में भी आई होगी कि मैं अपनी फैमिली से एक तरह से उसका एक गलत काम कर रहा हूँ, जैसे मैं बिट्रेयल ही कहूंगी मैं वो जो अंग्रेजी का शब्द, तो खैर ये है। लेकिन अब जब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है, उन्होंने एक तरह से फैमिली बिट्रेयल, अगर हम आज की उसमें देखें कि आजकल के बच्चों से कहे ना कि भैया भाई ऐसा ऐसा, तो क्या होगा कि तो उन्होंने तो फैमिली बिट्रेयल एक तरह से प्रमोट कर दिया। मैं दोनों ही आस्पेक्ट से विस्तार से इसकी बात करूंगा। पहली बात ये देखिए कि राजस्थान में कई जगह बलि शायद चढ़ाई जाती है आज भी, ठीक है। भगवान को या देवताओं को कई प्रकार के 56 भोग लगाए जाते हैं, बिल्कुल। पर भगवान तो अभोक्ता है, तो कुछ सही खाना बात। नहीं होता उसको, तो कोई स्वाद की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं मनुष्यों की बात करूं या प्रकृति के जीव जंतुओं की बात करूं, तो सभी उसी की रचना है। वो कैसे कह देगा कि फलाने पशु को तुम उसका सर काट दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तुमसे। पर समझदार मनुष्य क्या इस बात को सोच पाता है? अब मैं यहां पर भगवान पर तो मैं क्या ही आक्षेप लगाऊंगा, या मैं तो आमतौर पर भी देखता हूं, जब कहीं प्रसाद बट रहा होता है ना, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए। होता है अपने आप ही पहले। अब इसमें दो भावनाएं होती हैं, एक जिनकी सच्ची भावनाएं होती हैं उनको लगता है कि ज्यादा मिल जावे, ज्यादा खा लेंगे हाँ, या दूसरों को भी दे देंगे। क्योंकि भगवान का प्रसाद है, दूसरों को दे देंगे। और दूसरा, मेरी खुद की जीभ के स्वाद के वश में नाना प्रकार के व्यंजन बनाता हूं, तरीके तरीके के आइटम बनाता हूं, आज भगवान को ये भोग लगाऊंगा, आज भगवान को ये भोग लगाऊंगा। तो मनुष्य जो है वो अपनी स्वभाव और अपने समझ के अनुसार में अपने तरीके विकसित कर लेता है। हम शरीरधारी हैं, जब हम देह के भान में आए तो हमने भगवान भी अपना वैसा ही बना लिया। हम सब जानते हैं भगवान एक है, निराकार है, जन्म मृत्यु से परे है, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसके वो सबका मात पिता है, उसके कोई मात पिता नहीं हो सकते। वो ज्ञान का सागर है, वो सर्वज्ञ है। हम सब जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने आस्था के अनुसार जितने जितने देवी देवता बनाए, हम उनको भगवान भगवती कहकर पूजते हैं। भगवान को भी मालूम है कि चलो ये मुझे याद करके इनको पूज रहे हैं, तो वो भावना का फल भी दे देता है, ठीक है। परंतु भगवान गलत के लिए तो जिम्मेदार नहीं है ना। आज जैसे हम, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ये सब कहने का तात्पर्य ये था कि विभीषण को अगर हम असुरों की दृष्टि से देखें तो वहां बिट्रेयल दिखाई देता है, ठीक है। पर आप समझिए कि यदि मेरे कुछ ऐसे कारोबार हैं, कुछ ऐसे धंधे हैं जो गलत हैं, जिससे मानवता का ह्रास होता है, जिससे युवा शक्ति जो है वो कहीं घाटे में जाती है, नुकसान में जाती है, और एक दिन मेरी बुद्धि की समझ फिर जाती है, मुझे समझ में आता है कि ये तो बहुत पाप चढ़ रहा है, ये तो मैं अपने ऊपर दोष चढ़ा रहा हूं, और ये इस तरह के काम तो नहीं करने चाहिए, अब तो मैं कैसे बच सकता हूं? मैं ऐसे ही बच सकता हूं कि इस बुराई की दुनिया को खात्मा करने में मैं भगवान का मददगार बन जाऊं। राइट, वेरी ट्रू। जैसे हिंदी लेकिन फिल्मों में कहते हैं ना कि आप गवाह बन जाइए, गवाह आप बन ठीक गए, रहेंगे। हाँ वो भी है, और लेकिन मैं भूल गया, लेकिन बुराई की दुनिया वाले लोग तो नहीं चाहते ना। और फिल्मों के उदाहरण की बात करते हैं कि वो तुम इस धंधे में एक बार आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से आना होगा लेकिन जाना फिर ऐसे ही होगा, है ना।
तो अब बुराई की दुनिया वाले या बुराई के धंधे वालों के हिसाब से, दृष्टिकोण से देखें तो वो भीषण बेईमान है, गद्दार है, ट्रेटर है ना, इस ट्रेटर देखेंगे, परंतु वो साथ किसका दे रहा है? तो जिनको सुख चाहिए, जिनको प्रभु का साथ चाहिए, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए, वे भगवान के साथ ही बनेंगे, और जो भगवान के साथ ही नहीं बनेंगे उनको भी, चूंकि मुक्ति तो चाहिए ना, क्योंकि बोझ गलत कामों का तो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है, अंत में पुकारेंगे तो भगवान को ही ना, रावण भी था तो शिव का ही उपासक, दिखाया ना, किसी भी किस्म की आत्मा, बुराई से बुराई कर्म करने वाली आत्मा। मैं कई बार देखता था कि ऐसी जगह जहां पर जो तामसिक पदार्थ या तामसिक प्रोडक्ट बिकते हैं, वहां पर आप काली माता की तस्वीर लगाते हैं, तो मैं सोचता था यार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, देवियां यहाँ पर कैसे विराजमान हो सकती हैं। फिर मुझे उत्तर भी मिला उसका कि देखिए, वैष्णो देवी के दरबार में वैष्णवी अर्थात संपूर्ण अहिंसक देवी के दरबार में माता सरस्वती भी विराजमान है, माता काली भी विराजमान है। तो जहां संपूर्ण अहिंसा है वहां पर काली फिर कैसे आएगी, और काली पर लगाए हुए आक्षेप सही नहीं हो सकते। दो बातें ठीक हैं, या तो वो वैसा ही सब करती हैं, या फिर उन पर आक्षेप ठीक नहीं है। तो ऐसा है कि विभीषण उस दृष्टिकोण से, उधर की ओर से ट्रेटर देखे जा सकते हैं बुराई की दुनिया की ओर से, परंतु अगर मैं विभीषण के दृष्टिकोण से अपने अपने ऊपर अगर मैं बात ले लेता हूं, स्वयं के ऊपर देखें कि भगवान पुकार रहा है और मुझे सत्य बात समझ में आ गई है, तो मैं क्या करूंगा। और ऐसा नहीं है, विभीषण के यदि आप देखें तो उसने भगवान को, उसको रावण को बड़ा मानकर, भाई मानकर, पैर छू करके उसकी विनती की कि हमें ये दुनिया, हमें ये कारोबार छोड़ देना चाहिए और हमें उसका सम्मान करना चाहिए जो वास्तव में इस दुनिया का निर्माता है। अच्छा, शायद एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये हमें ये भी सिखाता है कि अगर कभी बाय चांस आप गलत की ओर बढ़ जाओ तो आपके पास सही तक आने की भी एक आप कह लीजिए मंशा अगर है, यू कैन कम बैक, वो एक बड़े लेवल पर। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि लोग सोचते हैं अरे हम लौटेंगे तो लोग हंसेंगे, अरे नहीं, जब कुछ गलत हो रहा है सही करना चाहते हो, यू शुड रिटर्न एनी टाइम। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। एक्चुअली भगवान के लिए कहा जाता है कि अजामिल से अजामिल पापियों को भी वो पावन बना करके देवता बना देते हैं। अब देखिए, यदि कोई इतना पाप कर चुका है कि उसे लगे कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तब भी भगवान उसको कह रहा है तू मेरा हाथ तो थाम, मैं तेरे को दलदल से निकाल लूंगा। ठीक है, अहिल्या की कहानी देखिए कि उसको कहते हैं कि वो पत्थर की बन गई। अब वास्तव में कोई स्त्री पत्थर की नहीं बनी, लेकिन यदि स्त्री जो इस दुनिया में परमात्मा की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसके होने से संसार की सुंदरता है, जिसके होने से सृष्टि आगे बढ़ती है, जिसके जो परमात्मा के बाद सृजन करने की शक्ति रखती है, कोई पुरुष सृजन नहीं कर सकता लेकिन वही सृजन कर सकती है। तो परमात्मा ने अपनी जिम्मेदारियां अगर किसी को दी तो वो देवियों को दी ना, स्त्री को दी ना। भाई धन के लिए माँ लक्ष्मी नियुक्त है, विद्या के लिए माँ सरस्वती नियुक्त है, बल के लिए माँ दुर्गा नियुक्त है, शक्ति के लिए। तो जब वो स्त्री अपनी इस असली आइडेंटिटी को भूल करके, मान लीजिए वो भी बुद्धि से पत्थर बन गई है और वो अपने गुणों के विपरीत जाकर के कर्म कर रही है, तो हम उसे कहेंगे ना कि पत्थर बुद्धि हो गया भाई। तो उस पत्थर बुद्धि को भी पारस नाथ भगवान आकर के ही तो छुएगा तो बुद्धि पारस बनेगी। तो ऐसे पत्थर की शिला से स्त्री नहीं बनी, लेकिन बुद्धि जो है वो वापस पारस बुद्धि बनी, तो वापस एक स्त्री के वंदे मातरम कहलाने लायक गुण आ गए उसमें। हमारे घर में ना जब रामायण शुरू हुई तो ये जो कैकई वाला संवाद आया ना, मेरी छोटी सिस्टर ने पूछा कि जो कैकई मंथरा जो है उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, तो एक ऑब्वियस आंसर हमारा ये होता है कि भाई सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर बैठी थी और ये सब असुरों का नाश होना था। खैर, ये यहाँ से शुरू होता है, लेकिन एक जो मेजर चीज है, हम कहते हैं कि ईश्वर प्रभु हमें गलत करने से भी रोकते हैं, है ना। अब जब हम कहते हैं, जो प्रभु श्री राम की माता भी हुई, वो जब गलत कर रही थी, यानी कि वो ऑब्वियस बात है, जब उन्हें वनवास जाने के लिए, ठीक है, डेस्टिन्ड बातें अलग है, पर एट द सेम टाइम
हम खुद भी है ना एक ऐसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स भी कहीं कुछ अगर गलती कर रहे हैं तो उन्हें जाकर सही कर दो. लेकिन वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, 14 कला संपन्न है, उन्होंने अपनी माता को मतलब गलत का आभास नहीं होने दिया. बिल्कुल सही. इज दैट नॉट प्रमोशन ऑफ रॉन्ग? बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो इसको कि भगवान हमें गलत करने से रोकता नहीं है. पहली बात मैं यहाँ पर इस बात आपने कहा था थोड़ी देर पहले, भगवान ने हमें विवेक दिया है, विजडम दी है, समझ दी है, ये हर आत्मा को इक्वली दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया. किसी में कम समझ अगर आज है तो उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप है कि उसने बार बार अपनी समझ का कत्ल किया, बार बार अपनी समझ को सप्रेस किया, आज समझ सो गई, अब समझ साथ नहीं देती क्योंकि तुमने समझ की बेकदरी की. राइट. तो इसको हम सरल रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी को मारने जाता है ना, तो हमने कई फिल्मों और सीरियल्स में देखा, वो पसीना पसीना हो जाता है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, थर थरा रहा होता है पूरी तरह से, हिम्मत नहीं हो रही होती उसकी किसी को मारने की. तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि विवेक इजाजत नहीं देता. विवेक अंदर से चीख रहा होता है, पुकार रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो रिफ्लेक्शन के रूप में पसीना पसीना और थरथराहट चल रही होती है. पर व्यक्ति को मारने से पहले या आत्मा पहले अपने विवेक का कत्ल करती है. तो जब आपने विवेक का कत्ल कर दिया तब आप किसी और को मार सकते हो और विवेक फिर उसके बाद साथ देना बंद कर देता है. तो परमात्मा ने हर एक को विवेक दिया है अंदर से सही गलत का निर्णय करने के लिए. आज भी हर एक व्यक्ति आजमा सकता है, आप कुछ गलत काम करिए, करने जाइए, आपका विवेक अंदर से इनर कॉन्शियस आपको रोक लेगा, बहुत कहेगा कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए. फिर अगर आप अपने विवेक को मार दो और गलत काम कर लो तो फिर वो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता. तो चाहे हम महाभारत देखें या हम रामायण देखें, परमात्मा हमेशा सत्य और असत्य आपके सामने रख देता है. राइट. श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बने मगर एक भी तीर नहीं चलाया. कहा युद्ध तुमको लड़ना है, बता देता हूं सही गलत क्या है. युक्तियां बताई परंतु युद्ध नहीं लड़ा. कहने का मतलब यह है कि ये जो कर्म क्षेत्र है यही कुरुक्षेत्र है. इस कुरुक्षेत्र में प्रत्येक परीक्षा, प्रत्येक युद्ध मेरा अपना है, वो मुझे ही लड़ना होगा. लेकिन परमात्मा केवल भाग्य बनाने का विधान सिखाएगा कि यही सही कर्म है, ये गलत कर्म है. पहली बात. दूसरी बात ये कि मंथरा की बुद्धि फिरना है ना, जैसे प्रीडिस्टाइन की बात आपने कही दी. क्या होता है कि यदि जैसे एक टीचर को या एक पिता को जब कोई छोटा बच्चा कोई हरकत कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको मालूम होता है कि ये जो करने जा रहा है इसका परिणाम ये होगा. कई बार हम छोटे बच्चों को रोकते हैं, कहते हैं आग में हाथ मत डाल, जल जाएगा. ठीक है, वो नहीं मानता, नहीं मानता. फिर एक वक्त पर आकर पिता माता कहते हैं अच्छा डाल नहीं दो, जलेगा तब समझ में आएगा. तो क्या होता है, जो जिसको मालूम है कि कौन सी कड़ी किस कड़ी को आगे जोड़ेगी. जैसे मान लीजिए कि डेली सोप्स कोई चल रहे हैं, है ना, आप कोई रेगुलर देखते हो, है ना. मैं अचानक से आया आपके घर में और मैंने उस डेली सोप को कभी नहीं देखा था, पर एक दिन मैं आपके घर में आया, खाना खाते खाते मैंने सीरियल देखा और मैंने देखा कि एक लड़की जो है अपने पिता को गोली मार रही है. आप सुन पा रहे हैं? एक लड़की जो है अपने पिता को गोली मार रही है. अब मैं आया, मैं कहूंगा यार कितना गलत हो रहा है यार, एक बेटी अपने बाप को गोली मार रही है, ऐसा होता है क्या? ये तो नहीं होना चाहिए. लेकिन क्योंकि आप उसको पिछले 100 एपिसोड से फॉलो कर रहे थे तो आप मेरे को कहते हो एक मिनट रुको, अभी देखो कुछ भी गलत नहीं है, सब सही हो रहा है. फिर हमने सीरियल देख लिया, फिर आपने मुझे बताया कि भाई ये लड़की जो है इसकी असली लड़की नहीं थी, ये इसकी लड़की बनकर रह रही थी, इसने इसकी माँ के साथ में ऐसा ऐसा धोखा किया था और ये इस हद दर्जे तक का ऐसे गलत गलत काम करता था, तो इसको इसके कर्मों की सजा देने और अपना वो बदला लेने के लिए इसने ऐसा ऐसा किया. तो अब क्या हुआ, मैंने एक सीन देखा और मैं जजमेंटल हुआ,
लेकिन आपको पूरे सीन पता थे तो आप पूरे जजमेंटल नहीं हुए वहां पर। सिमिलरली इस पूरे एपिसोड में ये रामायण की जो कहानी है ये कर्म और फल के सिद्धांत की कहानी है। आप इसे समझें, शुरुआत ही कहां से होती है कि राजा दशरथ ध्वनि के आधार पर अनुमान पर एक तीर चलाते हैं, श्रवण के माता पिता को लगता है वो प्राण त्याग दे, श्रवण को लगता है, श्रवण प्राण त्यागता है, श्रवण के वियोग में माता पिता प्राण त्याग देते हैं, श्राप देते हैं तू भी पितृ वियोग में मरेगा, इनका पुत्र ही नहीं हो रहा था। तो पहली बात तो श्राप वरदान में कन्वर्ट हुआ कि भाई पुत्र तो मिले, ठीक है। फिर उसके बाद पुत्र सुख के बाद पुत्र वियोग होना था। फिर चूंकि बुराई का अंत होना ही होता है, बुराई के अंत को करने के लिए कोई तो टर्निंग पॉइंट आएगा ना, उस टर्निंग पॉइंट को लाने के लिए किरदार डाले जाते हैं हमेशा, किसी भी फिल्म में कह लीजिए, चाहे जिंदगी के ड्रामा में कह लीजिए, फिल्म में कह लीजिए, तो वो किरदार जो है वो अपना एक्यूरेट रोल निभा रहे हैं। मंथरा को हम दोष दे देते हैं, जजमेंटल होकर के, भावुक होकर, भावनात्मक रूप से, लेकिन परमात्मा भावनात्मक रूप से कुछ दोष नहीं दे रहा किसी को। उसको मालूम है कि मेरे बच्चे भोले हैं, मेरे भोले बच्चे, मेरी भोली आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गई हैं और उसके कुचक्र में फंस गई हैं, उससे छूट नहीं पा रही, मुझे पुकार रही हैं, इसलिए मुझे आना होता है और मैं ही आऊंगा, मैं ही छुड़ाऊंगा। अब रावण के जो 10 सर दिखाए जाते हैं वो क्या है? काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, व्यसन, और इन सब के ऊपर सब विकारों का राजा आलस्य, ठीक है। इनके वशीभूत देखेंगे पूरी सृष्टि है, अगर इनको ऐसे मैं अपन एक मुट्ठी में मान लूं, 10 उंगलियां मान लूं, तो पूरी सृष्टि को ऐसे जकड़ रखा है इन 10 विकारों ने, इनसे कौन छुड़ाए? इनसे छुड़ाने के लिए ही हम परमात्मा को पुकारते हैं, जो जन्म मृत्यु में नहीं आता परंतु वो अवतरित होता है, उसका दिव्य जन्म होता है, दिव्य जन्म के आधार पर आकर के वो हमें इनसे छुड़ाता है। लेकिन उसके लिए भी सृष्टि में कोई तो घटना घटित होती है ना, तो मंथरा जो है वो और कुछ नहीं कर रही, वो अपना एक्यूरेट किरदार निभा रही है और एक्यूरेट किरदार निभाने के हिसाब से वो कैकेयी को कह रही है कि भाई हमें ये ऐसा टर्निंग पॉइंट लेना पड़ेगा, ऐसी डिमांड रखनी पड़ेगी, तब संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। दशरथ अर्थात 10 इंद्रियां हैं जिसकी, यानी कि ये रथ, कौशल्या अर्थात जिसके पास कुशलता है, तो ऐसे ही हर एक के नामों के भी अर्थ हैं कुछ कुछ। हमारे अजान भी हो रही है सर। बहुत बहुत बढ़िया, कर तो ऊपर वाले को याद रहे हैं। अच्छा। सुंदर तरीके से। अच्छा, चूंकि वैसे तो मुझे लगता है कि है ना, एक सवाल जो मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने जान लिया है, the ultimate question comes in as कि देखिए ना, हम सब चीजों के बारे में बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो एक तरीका होता है, क्योंकि हम सभी देखे सर, क्योंकि हमारा हमेशा जब भी संवाद हुआ है आपने हमेशा ये कहा है कि हमें फेस्टिवल्स के सही मतलब में ये समझना होगा कि हम आत्माएं हैं, हम सोल्स हैं, राइट? उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम अगर किसी वर्चू को अपने लाइफ में लाना है, और चूंकि हम बहुत बॉडी कॉन्शियस हैं और सोल कॉन्शियस तो वैसे भी नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? सभी हम किसी ना किसी देवी देवता को तो मानते हैं ना, ये रामायण रिपीट हो रही है। जब बचपन में आती थी ना, तो हम राम जी के किरदार से ज्यादा हम रावण के किरदार से इंप्रेस होते थे। श्री मत कहो, लंकेश प्रतिशोध, क्योंकि रावण में आकर्षण है, ये दुनिया पूरी आकर्षण से भरी हुई है, मन जो राम में लगा होना चाहिए वो आकर्षण में भटक जाता है, बुद्धि भी भटक जाती है, माया से भ्रमित हो जाती है। रावण की चमक दमक की दुनिया, लंका कहते सोने की थी, चमक दमक चमकती दमकती थी। आज रात को जब वो नासा के चित्र आते हैं, ऊपर से धरती ऐसी दिखती है, भारत ऐसा दिखता है, सृष्टि ऐसी दिखती है, रात को जब लाइट जली होती हुई होती है, बड़ी सुनहरी सी लग रही होती है, आकर्षण सी सुंदर सी दुनिया लग रही होती है। आज रावण के लिए कहते थे कि उसने प्रकृति के तत्वों को अपने वश में कर लिया था, सारे ग्रह सारे देवी देवता उसके वश में थे,
है ना, हमारे वश में क्या नहीं है। हम टैप खोलते हैं, जल देवता हमारे लिए हाजिर है। हम स्विच ऑन करते हैं, बिजली हमारे लिए हाजिर है। ठीक है, फैन ऑन करते हैं, वरुण देवता, वायु देवता, पवन देवता हमारे लिए हाजिर है। रावण कहते हैं प्रकांड पंडित था, महान पंडित था, क्या हमें से किसको नहीं मालूम है कि सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है। एक की याद में रहो, एक के रहो, यही है सार। प्रेम से रहो, तुम सब मेरी रचनाएं हो, यही है। किसको नहीं मालूम वेदों शास्त्रों का सार, पर उन्हीं वेदों शास्त्रों को अलग अलग बता करके, अलग अलग अपने अपने भगवान बना करके हम लड़ रहे हैं, हम बुराई का साथ दे रहे हैं। धर्म युद्ध में हमने सत्य धर्म को, आत्मा के रूहानियत को, आध्यात्मिकता को छोड़ दिया और शरीर के धर्म के नाम पर हम लड़ रहे हैं। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म की रक्षा करने से रक्षा होती है। आज आत्मा के धर्म की, शांति की, प्रेम की, सुकून की, आनंद की कोई रक्षा नहीं कर रहा। सब शरीर के बनाए हुए धर्म की रक्षा करने के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारू हो रहे हैं, है ना। तो क्या है कि इस नासमझी को खत्म तो करना ही होगा। उस नासमझी को खत्म करने के लिए ही परमात्मा का अवतरण है। और प्रकांड पंडित कितने भी बने रहे हम, कितने भी हमारे वश में, हमारे कंट्रोल में ये विज्ञान के साधन आ जाएं, सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवताएं आ जाएं, पर विजय किसमें है, विनम्रता में है। प्रकृति देवी देवताओं की भी सेवा करती है, परंतु उनके गुणों के कारण, उनके अभिमान के कारण नहीं। रावण के इसमें अभिमान है और इधर विनम्रता है, इसलिए कहते हैं दो मैं हैं। एक मैं जो आपको परमात्मा के निकट ले जाता है, एक मैं जिसकी वजह से पतन होता है, जिसकी कहानियां बनी, दुर्योधन, कंस, रावण, सब ये कहानियां हैं। कहानियां हमारे लिए हैं, हमारे ही आसपास इनके किरदार हैं। अब इन बातों को समझ करके मुझे कैसे सच्ची नवरात्र, कैसे सच्ची रामनवमी मनानी है या नवरात्रि मनानी है, हमारे ऊपर है। सीधी सी बात है कि रावण को देख के आकर्षित आप हो जाते हो, पर क्या पिता आप रावण जैसा चाहते हो? पिता सबको राम जैसा चाहिए। श्री राम जी आवाज में आकर हंसते नहीं है, उनकी मुस्कुराहट से सबको सुख मिलता है। रावण की अट्टहास से मजे तो आ जाते हैं, नकल भी हो जाती है, हंसी भी आ जाती है, पर सुख नहीं होता। गला आपका बैठता है, कानों में शोर आता है और अभिमान छलकता है। तो राम के गुणों को अपनाना कितना कठिन नहीं है। यदि मैं संतान ही राम की हूं तो मेरे गुण कैसे होने चाहिए, मेरा आचरण, देखना, बोलना, चाल चलन, चरित्र कैसी होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा कहना है कि यदि मैं राम की संतान हूं तो यहाँ पर क्या करूंगा। आप राम के दुश्मन रावण का साथ देना ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे कि तंबाकू, सिगरेट, बुरी दृष्टि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, ये एक सेकंड में छूट जाएगा। यदि आप अपने आप को उसका बच्चा तो मानो, लेकिन हम उसको बच्चा मुंह से गाते रहे तो मात पिता हम बालक तेरे, और मन से नहीं माने रिश्ता, तो फिर कभी नहीं सुधर पाएंगे। तो अपने बाप के दुश्मन का साथ कोई नहीं देता, एक सेकंड नहीं लगता। राइट, अच्छा मैं एक चीज बहुत खुश होती हूँ ये फेस्टिवल के असली मतलब समझने से। एंड आई एम सो ग्लैड इट कम्स ओवर। अच्छा खास बात ये है कि इंद्र तो हम रामायण देख रहे हैं, तो ये जो बातें हमने डिस्कस की है, आई एम सो श्योर पीपल विल गेट टू नो अ लिटिल मोर, और शायद ऑब्जर्वेशन जो है, और मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने जो सवाल पूछे वो बहुत सारे और हो सकते हैं। जो भी कोई कुछ देख रहा होगा फिर दे कैन कम बैक टू यू, तो फिर ऑब्वियसली बात है कहाँ पर है ना, हम सवाल अगर किसी और को आ रहे हैं तो कहाँ देने। जी 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 बिल्कुल नहीं, वो आपके पेज पर, मेरे पेज पर, कहीं पर भी वो ले सकते हैं। हमारे पेजों पर ही, पेजेस पर ही हम ये अपलोड कर लेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं आपके भी हैं, मेरे भी हैं, अमित वाधवा ऑफिशियल, आरजे सावी। मैं कहूंगी देखो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, आंसर सर दे पाएंगे तो सर से कांटेक्ट। हां मैं माध्यम जरूर बन सकती हूं कि आप भी सर से अगर कोई सवाल पूछना है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, सवाल का जवाब सर ही देंगे, ये क्लियर। आपके थ्रू भी आएगा तो भी एक ही बात है। नहीं मैं इसीलिए कह रही हूं लिसनर्स को, देखो सवाल का जवाब मुझसे नहीं मिलेगा। अभी अभी इतना नहीं हुआ है कि हम ये चीजें जब बिना समझाए समझा सकूं, ठीक है ना। सो मैं भी प्रोबेबली सर को डायरेक्ट कर दूंगी क्वेश्चन एंड वी कुड हैव मोर अबाउट इट, बट रामनवमी की एक्चुअली क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सो इंडीड बहुत जरूरी है कि हम कुछ वर्चुअल्स को हमारी लाइफ में बिना किसी सेल्फिश रीजन के ऐड किए, लेट्स गो अबाउट। हमें प्रशासन की भी बहुत मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जो कुछ अच्छा करे वो कोई और करे, जो कोई पेन ले तो कोई दूसरा ले, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ओवरऑल हम अपने अपने शहरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस जगह पर वर्चुअल्स को अपनी लाइफ में लाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट्स नेवर
कि कोई और करेगा और आपके भी कर्म ठीक हो जाएंगे, कर्म ठीक करने के लिए खुद ही को कार्य करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और देखिए हमने सारी अच्छी बातें तो कर ली हैं, अगर किसी ने पूरी सुनी है समझी है तो चाहे अपने आप को सीता समझो, चाहे अपने आप को लक्ष्मण समझो, चाहे अपने आप को हनुमान समझो, हनुमान भी तो देखिए उनकी भक्ति में कितनी पराकाष्ठा है कि वो अपने आराध्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने जरिया उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। और हमारे सामने इतने बड़े उदाहरण होने के बावजूद, घर की दहलीज को लक्ष्मण रेखा कहने के बावजूद भी अगर हम उसी दहलीज को बार बार क्रॉस करेंगे तो रावण की दुनिया में ही जाएंगे ना, रावण रुलाने वाले की दुनिया में ही जाएंगे ना, वो अंदर आ जाएगा, किसी से संक्रमित हो गए तो क्या होगा, भय तो है ही ना, चांसेस तो है ही ना। भाई उस दिन भी लक्ष्मण रेखा क्यों खींची गई कि इसके पार जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, और वही हुआ। सीता जी या बुद्धि या आत्मा भ्रमित हुई, बुद्धि भ्रमित हुई और उसने क्रॉस कर ली मर्यादा के गुणों के कारण। देखिए कितना गुण के कारण हारी सीता, अवगुण के कारण नहीं, नहीं ना समझी के कारण नहीं। जी कुछ कुछ शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी हुई थी, बट आई थिंक वी आर बैक। हाँ जी हाँ जी, बस आप आपकी बात मुझ तक नहीं पहुंच सकी। अच्छा मैं यही कह रही थी, बिकॉज ओवरऑल जो आपने कहा कि उन्होंने अपने गुण के कारण वो सीमा लांघी थी, हालांकि हम तो क्या है ना अवगुणों के कारण सीमा लांघते हैं और उसे जस्टिफाई और करते हैं। ये पॉइंट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका एक प्रश्न था कि क्या हम राम राज्य ला सकते हैं राम जैसे अवगुण धारण करते हैं। कहने का भाव ये है कि गुणों की अति में भी रावण फायदा उठा लेता है, बुराई फायदा उठा लेती है, आपके जरूरत से ज्यादा भलाई भी बुराई बन जाती है। तो भलाई का बैलेंस कि मर्यादा न टूटे ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के जैसे, बनने जैसे ही तपस्या करना है, जीवन ही तपस्या है। और जीवन देखिए सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि ऐसा नहीं है इसको बनने के लिए आपको साधु संत सन्यासी बनना पड़ेगा। विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण, विश्व महाराजन श्री नारायण वो गृहस्थ थे, श्री सीताराम जी गृहस्थ आश्रम में थे। हम सब गृहस्थ में रहने वालों के लिए ही ये शिक्षाएं, ये कहानियां, ये किंवदंतियां और ये समझ बनी है। अगर गृहस्थ में रहने वाले ये कहकर के पीछा छुड़ाएंगे, हमारे लिए थोड़ी है, हमारे ऊपर जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बाजी है बहानेबाजी। And खैर मैं तो हमेशा से एक चीज, I am being lucky over here कि इतना कुछ conversation मुझे करने को मिला है। The others who are listening, watching, go ahead, अगर आपको ये चीजें ऐसा लग रहा है कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो शेयर भी कीजिए। आई मीन अपने आप तक इस डिजिटल क्रांति वाले युग में अच्छी बातों को रखने का कोई मतलब नहीं, वो स्प्रेड करना है ना। ऐसे तो फेक तो हम बहुत कुछ फैलाते हैं, कुछ अच्छा भी फैलाइए, गो अहेड। ये वो बातें हैं जो प्रोबेबली हर कोई आपको ना तो किताबों में लिखा हुआ बताएगा और आपके आसपास भी आपको चुनने पड़ेंगे वो लोग जो ये आपको बता पाएंगे। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल ओवर देयर टू, I would say to help me out over there. मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज आज बड़े दिनों बाद स्टूडियो जैसा फील आया और मुझे भी अपनी तरफ से कुछ बातें करनी थी आपके साथ में, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अभी हम समय सीमा के चलते यहाँ पर एक विराम लेंगे। परंतु जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये समझ कहीं से आई है तो सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, और परमात्मा के द्वारा ही जो बनाई हुई संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उस संस्था से ही मैंने ये सब सीखा समझा है। वहां पर जो परमात्म ज्ञान महावाक्य जो सुनाए जाते हैं उनके आधार पर ही ये समझ डेवलप हुई है, और बुद्धिमानों की बुद्धि कहलाने वाला चतुर सुजान परमात्मा वो हमें इस तरह से ही समझदार बनाता है, बुद्धि देता है। हमने परमात्मा से जन्म जन्मांतर बुद्धि मांगी है, समझ मांगी है, ज्ञान मांगा है। आज प्रैक्टिकल में अगर वो सब सीखने समझने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे आसपास ही ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हम ये जाकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो है, और अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो भी आई विल मतलब डायरेक्ट द एक्शन टुवर्ड्स अमित सर, ही कुड टेल अस बेटर, बट एनीवेज मैं शायद थैंक यू कहूं तो छोटा शब्द जाता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट, ये कहना भी नहीं है, हर फेस्टिवल पे ऐसे ही हमको जुड़ना है बस। डन।
थैंक यू सर वंस अगेन, और एक बार फिर से श्री राम नवमी जो हम कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में मना रहे हैं उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, पर ये समय हमें बहुत कुछ सिखाएगा, वर्चुअल लेने का और अच्छा समय है। राइट, मतलब मुझे लगता है इतनी सारी बातें हो गई, अगर किसी को लिबरेशन चाहिए तो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट उठा करके लिबरेट हो हम बातें लाइव वाली कर रहे हैं, कहीं किसी के कुकर की सीटियां बज रही है, मेरे तो घर में डॉगीज तक चिल्ला रहे हैं। इधर भी मिक्सर ग्राइंडर चल गया था तो मैं सोच रहा था आपकी आवाज पहुंचे बस। तो हम एक्चुअली क्लियर कर दें कि ऑफिस और घर में ये वाला अंतर जरूर आएगा, बट वी कीप ऑन एंजॉयिंग दिस, क्योंकि इसी बहाने हम आपको बता सकते हैं कि हम भी नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल लोगों की लाइफ में ये सब होगा, पर हम भी फिर भी कोशिशें करेंगे एंड वी विल गो अहेड विद ऑल दिस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच शाबी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हां बिल्कुल, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, इसके लिए शुक्रिया सर। मैं ना क्रेडिट नहीं लूंगी इस बात का, तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम एबल टू प्ले समबडीज क्वेश्चंस ओवर हियर, वो वाली बात है। थैंक यू वंस अगेन, शुभकामनाएं। सफर है ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।